ये स्विंग लो है मैंने स्विंग लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई वो सपोर्ट की तरह कर रहा है। पे मुझे में दिखा देती हूँ एग्जैक्टली exactly, क्या क्या चीजें आपने देखी क्या क्या चीजें स्पॉट करी क्योंकि वो ट्रेड में हमने आ, सही टाइम पे काफी एंट्री ली थी और ये इंट्रा स्विंग ट्रेड था तो उसमें हमने प्रॉफिट भी कमाया हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहता है, है कि हम स्टॉप लॉस कवर करें कोई टेंशन नहीं है स्टॉप लॉस कवरेज मिल गई बिल्कुल अब टेंशन है नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ड्रिल कर सकती हूँ यस। yes. देखिए टॉप और बॉटम किसी को नहीं मिल सकता hmm. लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में निकले बार बार देखने की जरूरत नहीं है या तो स्टॉप लॉस हिट या टारगेट अचीव नमस्ते मुझसे कई बार पूछा जाता है कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है अब ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो का डेफिनेशन बोल के तो मुझे भी नहीं आता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता सकती हूँ बेस्ट जो पैसा दे दे वो बेस्ट है और जिसमें हमारी नॉलेज अच्छी हो हम उसको कंसिस्टेंटली उसमें से पैसा निकाल सके मेरे लिए वो बेस्ट है और उसी तरह से मैं अपने स्टूडेंट के साथ में लाइव ट्रेड्स लेती हूँ तो आज उसी एक लाइव ट्रेड पे मैं अभी शुभ के साथ डिस्कस करती हूँ कि उसने उस लाइव ट्रेड से आज क्या सीखा और क्या वो अपने आप से अब इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड्स निकाल सकता है तो शुभ हमें बताइए आज हमने हमने एक लाइव मार्केट में आईटीसी का का ट्रेड लिया था। yes, हमने लिया था था यस मैम और उसी फ्रेमवर्क मुझे जानना था कि एग्जैक्टली exactly क्या क्या चीजें आपने देखी क्या क्या चीजें स्पॉट करी क्योंकि वो ट्रेड में हमने आ, सही टाइम पे काफी एंट्री ली थी और ये इंट्रा डे स्विंग ट्रेड था तो उसमें हमने प्रॉफिट भी कमाया तो अब इसके पीछे का मेरे को आपसे जब क्लास में करवा रही थी तब ध्यान नहीं दिया

आज ओपन 498 है यस फोर नाइन सेवन पॉइंट थ्री फाइव मतलब ओपन और लो पास पास में है बिल्कुल ठीक है साथ में इसमें मैंने लॉन्ग बिल्डअप भी देखा ओके okay. तो लॉन्ग बिल्डअप मैंने इस पे वीडियो भी बनाया और तुमको कई बार सिखाया है लॉन्ग बिल्डअप प्लस ओपन लो ये ऑलमोस्ट करीब करीब मैं सारे वीडियोस में कवर करती हूँ ओपन लो ओपन लो ओपन हाई ये स्ट्रेटेजी मैं हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हूँ मैंने ओपन इंटरेस्ट के टाइम पर भी आपको लॉन्ग बिल्डअप सिखाया है तो ये दो पॉइंट्स मैचिंग हो गए तो लॉन्ग बिल्डअप और ओपन लो नियर बाय अब इसमें एक छोटी सी चीज देखना तुमको ये पैटर्न में कुछ दिखाई दे रहा है मैम वो एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है सपोर्ट पे मुझे ओपन लो मिला ठीक है Yes. अब क्या मैं यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न फॉर्म कर सकती हूँ जिसको हम कहेंगे राउंडिंग बॉटम जैसा बिल्कुल राइट क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गया और इतना ऊपर आया तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ कितने पॉइंट का है ये पांच पॉइंट का है यस yes, मैम और ये पांच पॉइंट ऊपर जा सकता है और ऊपर बिल्कुल कितना है ये 502, yes. 502 का 507, गया था करीब करीब फाइव जीरो अगर देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये सेम पैटर्न जैसा मिलेगा और यहाँ से मैं ये सब हटा देती हूँ तो आप अच्छे से देखिए यहां से यहाँ तक आपको एक राउंडिंग बॉटम मिल रहा है देखो अभी एक yes, राउंडिंग बॉटम का पैटर्न फॉर्मेशन मिल रहा है यस yes, मैम राइट और मुझे मॉर्निंग में क्या मिला था ये ओपन इज इक्वल्स टू लो ओपन एंड लो नियर बाय मिला यस yes. ठीक है आज एक्सपायरी डे था जब आज हम ये शूट कर रहे हैं तो एक्सपायरी डे था yes. तो मुझे नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है हम्म hmm. प्राइस क्या चल रही है 500 500 स्पॉट चल रही है हां तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर क्या करती हूं कि 520 का कॉल ऑप्शन चूज करती हूँ ओके okay. थोड़ा ऊपर जाती हूँ hmm. उसका बेसिक रीज़न है कि मैं अपनी जो कॉस्टिंग है ना वो आठ दस हज़ार के आसपास ही चाहती हूँ उससे ज़्यादा नहीं चाहती ओके ठीक okay. है तो आईटीसी का हम ये कॉल खोलते हैं तो हम ये कॉल ऑप्शन ओपन करते हैं आईटीसी 26 सितंबर 520 का कॉल ठीक है और इसको हम लाते हैं फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ओके। इस पे हमने लगा दिया सुपर ट्रेंड ओके सुपर ट्रेंड का जो डिफॉल्ट पैरामीटर है टेन बाई थ्री ये हमने लगा दिया टेन बाई थ्री ठीक है ओके राइट अब आप देख रहे हो कि ये ओपन हाई जैसा खुला है नाइन फिफ्टीन पे कॉल ओपन हाई और स्पॉट प्राइस ओपन लो मैच नहीं हो रहा Hmm. तो मुझे वेट करना होगा जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं करे ओके। okay. कॉल का हाई क्रॉस नहीं करे और साथ में जब हम शेयर देखे तो नाइन फिफ्टीन का कैंडल बहुत कन्विंसिंग नहीं है बट ओपन लो जैसा तो है hmm. तो हम वेट करेंगे कि जब तक क्लैरिटी नहीं मिले हाई नहीं टूटे ओके। okay. ठीक है हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं एक अलर्ट 460 के ऊपर जब भी जाएगा तो मुझे बताएगा अब देखिए यहाँ पे गया जा रहा है ये देखिए ओके चला गया जैसे उसने हिट किया 460 हमने पे नहीं बाय किया ओके क्योंकि ब्लू नीचे आना चाहिए सुपर ट्रेंड में ब्लू लाइन नीचे आनी चाहिए जब तक वो नहीं आएगी मैं बाय नहीं करूंगी आई वेट फॉर द क्लोज ये आ गई ब्लू नीचे अब मैं इसको भली 475 में बाय करूंगी और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा 420 जो डे लो के पास में है या 415 कितना का है ओके okay. कितना है हमने 475 एंटर किया राइट हाँ और तो 60 60 पैसा 60 पैसा तो मैं सबसे पहले मैं जनरली अपने दो लॉट में काम करते हैं या चार में या आठ में या हुँ. दस में यानी इवन नंबर तो 50% हम पैसा ऊपर बेच और ऑप्शन तीनों में अच्छे प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको अबसर डॉट क्लॉब पे उनका लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर चेकआउट करना चाहिए इस प्रोग्राम में आपको मार्केट एनालाइज करना स्टॉक ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरीके से मैनेज करना

475 प्लस 65 पैसा तो मतलब एप्रोक्सीमेटली 535 540 के आसपास हम डाल देते हैं यस मैम राइट ठीक है अब वैसे ही यहाँ पर भी उसी टाइम पे ये हमको यहाँ से हाई क्रॉस कर गया था तो वी आर ओके अब हमने सिस्टम में डाल दिया हम्म बार-बार देखने की जरूरत नहीं है या तो स्टॉप लॉस हिट या टारगेट अचीव ओके लेट अस सी हाउ इट मूव्स मूवी ऐसी सिचुएशन में काफी घबराहट होती है अपने हाँ आपको घबराहट हो रही है हम्म लेकिन हमने अपना स्टॉप लॉस डाला हुआ है हाँ। सिस्टम में डाला है माइंड हाँ। में नहीं माइंड में नहीं, नहीं डाला कोई टेंशन नहीं है राइट right? आराम से बैठो क्या टेंशन है या तो स्टॉप लॉस इट या टारगेट अचीव देखेंगे क्या हुँ. होता है हमने सिस्टम के बेस पे देखिए आपका ये गया स्टॉप लॉस कवरेज मिल गई बिल्कुल अब टेंशन है नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है अब मैं क्या करूंगी ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था सुपर ट्रेंड के बेस पे जहां जहां ये फ्लैट बनता है वहां पर मैं इसको शिफ्ट कर दू 465 पे तो हमारे कॉस्ट पे आ जाएगा अब मेरे घर से तो पैसा जाएगा नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा नहीं जाएगा कंटिन्यू अब हार्ट बीट्स हो रही है क्यों हो रही है बट तो, मैं फिर भी कम है कंपैरेटिवली क्योंकि पहले अब मैं काफी आपको लॉस है ही नहीं फिर हाँ। भी प्रॉफिट में ही रहोगे क्योंकि एक तो आपका ऊपर ही गया है बाकी तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हो अब ये फ्लैट यहाँ पे आ गया है तो मैं अपना स्टॉप लॉस पे शिफ्ट कर दूंगी ओके okay. फाइव पे अब तो मैं फुल प्रॉफिट में कोई टेंशन नहीं है ट्रेल करते जा रही हूँ हाँ. तो तो चार लिए हो तो हुँ. दो बेचे थे एक और बेच सकते हो okay. एक ही बच्चे का अगर आपने दो ही लिए हैं तो खड़े रहो हुँ. अब देखिए यहाँ पे से मैं ये फ्लैट हो गया मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकती हूँ बिल्कुल तो जो भाव में मैंने ऑलरेडी अपना फर्स्ट कवर करने के लिए बुक किया था मैं उससे तो ऊपर आई गई हूँ क्या टेंशन है तुमको अब तो बिल्कुल भी नहीं तो यही ट्रेड था और मैंने इसी तरह से ये ट्रेड लाइव क्लास में लिया था यस तब मैंने पूछा भी था ना आपसे कि क्या कंफ्यूजन है फिर क्यों नहीं ध्यान नहीं दिया पर्सन में इन पर्सन में मैंने वैसे भी आपको इन पर्सन में पूछने में भी कभी मना नहीं किया मैं सारे स्टूडेंट्स को इन पर्सन में भी बताती हूँ लेकिन अगर आप क्लास में पूछ लो तो आपको कोई टेंशन है आपके साथ साथ और भी दूसरे लोग सीख जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी चलो मैं बता रही हूँ चल रहा है yes. कोई दिक्कत? नहीं। अब मेरे को नहीं थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है थोड़ा गया एस एल हिट हो गया खत्म पैसा आया घर में देखिए टॉप और बॉटम किसी को नहीं मिल सकता लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में निकले दिस इज वॉट इज माई बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि मैं घर में कुछ पैसा लेके जाऊं ना कि लॉस करके जाऊं अभी आप बोलोगे ये देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया वापस वो भाव आ गया ये वो ये सब मार्केट में चलते रहते हैं दो बजे के बाद मैं दूसरा ट्रेड नया ट्रेड नहीं लेती हूँ जो है उसको मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ लेकिन मैं नया ट्रेड नहीं लेती okay. अब खुद देखो तो माइंड में, में होता ना तो आपका यहाँ पे कटता था माइंड में नहीं होने से आपने सोलह सौ रुपए बचा लिया सोलह सौ के लॉट है बंद का कोई खास फर्क पड़ा नहीं थर्टी फाइव पैसा ऊपर गए ठीक है टॉप और बॉटम किसी को नहीं मिलता बिल्कुल लेकिन ओवरऑल आप नेट ऑफ नेट प्रॉफिट में चले गए क्या पर सबसे पहला काम मुझे स्टॉप लॉस कवर करना है वो कवर हो गया ना तो मेरा आधा काम तो हो गया आज हमने कितने ट्रेड लिए तीन तीन एक ये लिया दूसरा कौन सा लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी सबका मेरा स्टाइल सेम ही था यस कहीं किसी में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं सब में ट्रेलिंग एसएल हिट हाँ। हुआ बट एसएल नहीं हिट हुआ वही तो मतलब हम एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में हैं एट द एंड ऑफ द डे हम घर में पैसा थोड़ा सा लेके जा ही रहे हैं हम देखे नहीं जा रहे हैं मार्केट को सो दिस इज अ टाइप ऑफ माय स्ट्रेटजी व्हिच आई कॉल्ड दैट दिस इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी जो मुझे पैसा दे के जाए अगर आपको इंट्राडे में समझना है तो सेम चीज़ आप इंट्राडे में कर लो और ये मैंने फाइव मिनट्स में यूज़ किया ये देखिए ऑप्शन फाइव मिनट में क्यों बिकॉज ऑप्शन की मूवमेंट जो होती है वो मुझे फाइव मिनट्स में लेनी रहती है मैम जैसे ऑप्शन बाइंग में थीटा डे के बहुत सबसे बड़ा फैक्टर होता है राइट तो हमने अपना प्रोटेक्शन लिया है ना प्राइस के हिसाब से तो वो थीटा को ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा ओके हमने अपना प्राइस स्टॉप लॉस लगाया है आज का लगाया है तो ऑटोमेटिक थीटा उसमें इंक्लूड हो जाएगा ना तो हमारे वो 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 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में चीज भी कवर हो जाएगी हां ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी ओके तो मुझे उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अलग से हम्म प्राइस स्टॉप लॉस टाइम स्टॉप लॉस एंड आई एम आउट इंट्राडे ट्रेड है घर नहीं जाएगा ये गारंटी है क्यों ये मेरा रूल है अगर इंट्राडे ट्रेड है तो वो इंट्राडे ही होगा वो नेक्स्ट डे के लिए घर नहीं जाएगा इट इज़ एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स इतना सब करके भी स्ट्राइक रेट जो है वो सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ बाकी के फोर्टी परसेंट में एस एल हिट होता है लेकिन समझो ट्वेंटी परसेंट कॉस्ट टू कॉस्ट चले गए ट्वेंटी परसेंट में एस एल हिट हो गया तो जो सिक्सटी परसेंट हमारा प्रॉफिट में आया उसमें से ट्वेंटी परसेंट वाला जो है वो बाकी का जो स्टॉप लॉस गया था उसमें चला गया है ट्वेंटी परसेंट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गए लेकिन जो बचा हुआ ट्वेंटी परसेंट है ना कभी कभी सुपर जैकपॉट देखे जाता है तो वो जो है ना बीस परसेंट का सुपर जैकपॉट वो पूरा मस्त एकदम पोर्टफोलियो को बना के चला जाता है ऑप्शन पोर्टफोलियो को तो इस तरह से हम सारे ट्रेड्स को अपने तरीके से हैंडल करें तो हमारी वही बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई बिल्कुल मैम तो हमें फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स में

आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो सकता है दो बार हिट हो सकता है तीन बार हिट हो सकता है हर बार हिट हो रहा है तो या तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में गड़बड़ी है या फिर आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम है। ओके। तो उनको ठीक करिएगा हर बार ऐसा नहीं हो सकता ओके तो बताइए अब क्या प्रॉब्लम रह गई मैम अभी क्लियर हो गया एकदम तो इसका मतलब कल से तुम मुझे ट्रेड बताओगे लाइव क्लासरूम में बिल्कुल मैम मैं बताऊंगा और अगर तुमने हेजिटेट किया मुझसे पूछने में तो नेक्स्ट टाइम मैं तुमको नहीं समझाऊंगी ठीक है मैम मैं अगली बार क्लास में पूछूंगा क्लास में पूछो क्योंकि तुम्हारा डाउट जो है वो हो सकता है दूसरों का भी डाउट हो इसमें शर्माने वाली क्या बात है हाँ पर्सनली भी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ लेकिन अगर क्लासरूम में पूछोगे तो मैं मना करती हूँ नहीं हाँ तो आपके साथ साथ दूसरों की भी हो सकती है जैसे आपने नहीं पूछा दूसरों ने भी नहीं पूछा तो सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी उसमें क्या है बिल्कुल ठीक है ना तो कल से आप ट्रेड निकाल के दोगे okay, yes. भी मेरी तरह मैम के साथ उनकी ज्वाइन करनी है आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे हम मैम के साथ बातें करते हैं ट्रेड्स डिस्कस करते हैं और आप मेरे जैसे ही आ, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वहाँ पे जहाँ पे हम आपस में भी बातचीत करते हैं उनके डाउट से मैं कुछ सीखता हूँ मेरे डाउट से वो कुछ सीखते हैं तो काफ़ी इंटरक्टिव सेशन होता है अगर आपको ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में और अगर आप फिर भी आपको क्लास के रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कुछ भी कर सकते हैं आप भी ट्राई करिए कि इसी तरह से अपना पहले पेपर पे फिर एक एक क्वांटिटी में ट्रेड करिए लॉट्स तो बहुत दूर की बात है पहले एक्चुअली ट्रेंड को समझना सीखिए और उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी आती है उसके ऊपर क्वांटिटी धीरे धीरे कैच में बढ़ाइए और फिर बाद में जाके एक एक लॉट से ट्राई कीजिए डायरेक्टली ऑप्शंस में जंप मत करिएगा यह मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से नमस्ते